ऑफिस न्यूजीलैंड बेंगलुरु टेस्ट के आखिरी दिन भारत को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी टीम इंडिया 107 रनों के टारगेट को डिफेंड कर चुकी है। ऐसा 2004 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, जब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 93 रनों पर समेट दिया था। तो टेस्ट में भारत ने डिफेंड किए सबसे छोटे टारगेट, आपको मैं बता देता हूँ कि 107 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था जब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 93 बॉल पर ऑल आउट कर दिया। ये 2000 बाद मुंबई की है। उसके बाद 1981 में मेलबर्न में फिर 143 रन का टारगेट दिया गया था ऑस्ट्रेलिया को, उसमें 43 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। 170 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, इसमें 105 पर ही ऑल आउट हो गई दक्षिण अफ्रीका की टीम। ये अहमदाबाद में खेला गया था 1996 में। तो 107 रनों के टारगेट में डिफेंड पहले भी कर चुकी है, तो इसमें हौसला नहीं हारना चाहिए। हालांकि ताज़ा अपडेट में जो सुबह की 9 बजे का टाइम था, वहां पर बेंगलुरु में बारिश हो रही थी, तो सुबह 9 बजे मैच शुरू नहीं हो चुका। 10:15 बजे जो है पाँचवें दिन का खेल शुरू हुआ। भारतीय टीम टेस्ट जर्सी पहनकर मैदान पर उतर चुकी है। ऋषभ पंत नजर नहीं आ रहे हैं। ध्रुव जुरेल दूसरी पारी में भी विकेट कीपिंग करेंगे। टीम मैनेजमेंट पंत की चोट को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। टॉम लैथम और डेवन कार्मे की जोड़ी मैदान पर, बुमराह अपना पहला ओवर पूरा करेंगे। भारत को पहले विकेट की तलाश है। जसप्रीत बुमराह ने दिन के दूसरे ही गेंद पर टॉम लैथम को LBW आउट कर भारत को पहली सफलता दिला दी है। भारत के लिए शानदार शुरुआत है। पहले 4 ओवर में बुमराह और सिराज ने शानदार गेंदबाजी की है। अभी तक न्यूजीलैंड 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन ही बना पाई है। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर विल यंग ने फाइल लेग की दिशा में शॉट लगाया। वहां तैनात मोहम्मद सिराज ने शानदार डाइव लगाकर गेंद को रोक दिया और टीम के लिए 2 रन बनाए। भारत के लिए यह 2 रन आज काफी अहम है। मोहम्मद सिराज के 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को बाउंड्री मिली। विल यंग ने फाइनल लेग की दिशा में चौका बटोरा। इससे पहले भारत ने शानदार गेंदबाजी की। 12 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन हो गया है। पिछले 4 ओवर में विल यंग और डेवन कार्मे ने रनों की रफ्तार बढ़ाई है। भारत को जल्द ही दूसरा विकेट लेना होगा। जसप्रीत बुमराह ने डेवन कार्मे को LBW आउट कर भारत को दूसरी विकेट दिला दी है। एम्पायर ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाज को आउट नहीं दिया, मगर रोहित शर्मा एंड कंपनी ने रिव्यू का इस्तेमाल कर एम्पायर के फैसले को पलटा। 13 ओवर के बाद रोहित शर्मा स्पिन अटैक पर लेकर आए। अब देखना होगा कि जडेजा अश्विन की जोड़ी क्या कमाल करती है। विल यंग और सचिन रविंद्र के बीच तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय पार्टनरशिप हो गई है। भारत के हाथों से मैच भी फिसल चुका है। मेहमान टीम जीत से मात्र 22 रन दूर है। 28वें ओवर की चौथी गेंद पर विल यंग ने रविंद्र जडेजा को चौका लगाकर न्यूजीलैंड को जीत दिलाई। न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट से मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। विल यंग 48 तो रचिन रविंद्र 39 रन बनाकर नाबाद रहे। तो न्यूजीलैंड ने भारत को बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से हरा कर 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड की टीम की यह पिछले 36 सालों में भारतीय सरजमी पर पहली जीत है। इससे पहले 1988 में न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में आखिरी बार हराया था। न्यूजीलैंड की इस जीत के हीरो रचिन रविंद्र है, जिन्होंने पहली पारी में शतक जड़ने के साथ दूसरी इनिंग में 107 रनों का पीछा करते हुए नबाद 39 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया मात्र 46 रनों पर ढेर हो गई थी, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने 402 रन बना भारत पर 356 रनों की बढ़त हासिल की। भारत ने दूसरी पारी में 462 रन बनाकर पारी से हार को टाला, मगर वहां न्यूजीलैंड की टीम को 107 रन का टारगेट ही दे पाई। न्यूजीलैंड ने इस स्कोर को 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट पुणे में 24 अक्टूबर को खेला जाना है।